वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं और आज है संडे। अच्छे से पहन लो। और कुछ ज़्यादा नहीं, बस लंच में बनने वाला है दाल चावल बीन्स का भुजिया। तो चल रहा हम किचन में भुजिया बनाने के लिए। और ये देखिए आप लोग, पार्थ क्या कर रहा, क्या है पार्थ, ये क्या लिए हो हाथ में, जल्दी बताओ। मम्मा जा रही है किचन में, तो क्या लिया है हाथ में? तब ठीक है, फिर मम्मा जा रही है। हेलो, ये फोन थोड़ी ना, माउस है ना। हेलो, ठीक है। वाह, हाय कर दो। अच्छा बाबू क्या खाएगा आज? हेलो बाबू, क्या खाएगा खाने में? दाल। दाल खाओगे? ओके, दाल तो बन गया है। दाल बन गया। एक आगे देखो, चलो चावल बनाते हैं। दाल बन गया है, चावल और सब्जी बनाते हैं। ओके चलो चलो। एक किसी क्यों, तो कढ़ाही गरम हो गया, उसमें हमने डाल दिया हरी मिर्ची और जीरा से छौंक लगा दिया। अब इसमें डाल देंगे हम तेल, नॉनस्टिक है तो इसलिए पहले डाल दिया, नॉनस्टिक नहीं रहता तो पहले तेल को गरम करते, उसके बाद हरी मिर्ची और जीरा डालते। तो ये तड़क चुका है जीरा, अब इसमें डाल देंगे हरी मटर ताकि ये अच्छे से भून जाए, क्योंकि मटर को भूनने में टाइम लगता है और पकने में भी। तो पहले डाल के इसे भून लेते हैं। तो मटर भून गया है, अब इसमें डाल दिया हमने बीन्स और गोभी, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद से इसमें प्याज को ऐड करेंगे। तो देखिए बीन्स और गोभी भून गया है, अब इसमें हमने प्याज डाल दिया। प्याज लास्ट में इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि पहले भूनो तो प्याज ज़्यादा भून जाता है और सब्जी भूनते वक्त प्याज जल जाता है भुजिया में, तो इसलिए प्याज लास्ट में डालते हैं। और ये गया इसमें नमक और हल्दी पाउडर, इसलिए डाल दिया प्याज के साथ ही, क्योंकि प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं रहता है भुजिया में, थोड़ा क्रंची क्रंची सा, और प्याज दिखता है ना तो ज़्यादा यम्मी लगता है भुजिया, तो इसलिए। तो भुजिया हम भुनने देते हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा भुनेगा। तो ये कौन है पार्ट, कौन कौन है? बाबू। और ये कौन है? मम्मी। और कोई नहीं है? और ये कौन है, फोटो में कौन दिख रहा है, फोटो में कौन दिख रही है, जल्दी बताओ, फोटो में कौन दिख रहा है? यहाँ फोटो में, पीला पीला फोटो में कौन है? बाबू। नहीं नहीं यहाँ फोटो में, यहाँ पीला पीला फोटो में कौन है? भगवान जी। कौन से भगवान जी हैं? कौन से भगवान जी हैं? मम्मी भगवान जी। कृष्ण भगवान। मम्मी भगवान जी ना, मम्मा भगवान जी ना है। ना गंदी आदत, दांत से नहीं काटते सुना। ए बचाओ बचाओ, ये लोहन आ गया। कहाँ आ गया? उधर। किधर? इधर। किधर? उधर। किधर? चल टकली टकली बाग। तो देखिए चावल भी बन गया उधर और इधर सब्जी भी बन गया, अच्छे से भून गया, देख रहे हैं ना आप लोग। और प्याज भी देखिए कितना अच्छा कलर है, नहीं तो ना पहले डाल देने पर प्याज ऐसे नहीं दिखता, प्याज लाल लाल दिखता और पता ही नहीं चलता कि प्याज है कि नहीं है। तो तैयार हो गया है खाना और लग भी गया है हमारा खाना, भरुआ मिर्चा चावल खीरा और सब्जी और सिंपल सा दाल। देखने से तो यम्मी लग रहा है, खाने से पता नहीं। क्या गरम है? गरम है। क्या? गरम। गरम है। तुम गरम है। गरम है। गरम है। गरम है। गरम। फूकी फूकी करके खा लो। अभी क्या? बाबू क्या खा रहा? बाबू क्या, अरे वैसे गिर जाएगा, गंदी हरकत से खाना नहीं खा रहा बच्चा।
खाना बर्बाद नहीं कर देना। अभी हो गया शाम और हम जा रहे हैं चिकन बनाने, मतलब रात को भी खा लेंगे लो, अभी जिसको खाना होगा ऐसे वो भी ऐसे भी खा लेगा। तो आपका टकला दिख गया, आपका टकला दिख गया, हम बैक नहीं करेंगे। ये बोल देना कि मेरे को मत दिखाइएगा, मेरा टकला मत दिखाइएगा, खास करके अब तो दिख गया है पक्का, हम नहीं करेंगे डिलीट। नहीं करना, आप लोग देखोगे फिर से देख लो। ये देखो टकले का। तो हम चल रहे हैं चिकन बनाने और सारी चीज़ें काट ली हैं, लहसुन प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है, अब बस चिकन धोना है और बनाना है। बहुत इजी वाला बनाएंगे हम, कोई भी बना सके, बैचलर खास करके, मतलब होता है ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो टाइम नहीं होता है कि क्या बनाए कैसे बनाए, चिकन तो चिकन का नाम सुन के और मटन का नाम सुन के तो लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, इस वजह बाहर से खा लेते हैं, बट ये इतना ईजी है ना कि मतलब 20 मिनट ज़्यादा ही ज़्यादा लगता होगा, 20 मिनट में बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है, मतलब टेस्टी बनता है। तो चलिए आप लोग देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या, बस ऐसे ही वन पॉट रेसिपी है, कुछ मतलब ज़्यादा बर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ और करना है, और बहुत ही सिंपल है बनाना इसे। जो रोज़ के मसाले होते हैं ना चिकन वाले वही डलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पतला कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं, ये 2 है, मतलब मीडियम साइज़ का प्याज है, ज़्यादा नहीं है, और ये जा रहा है इसमें चिकन मसाला। चिकन मसाला डालिए या मीट मसाला डालिए, जो भी मसाला आपके पास है वो डाल सकते हो आप। और ये नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और इसमें डालेंगे अब हम ये हल्दी पाउडर, जस्ट आधा आधा चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच है ना उसी से, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें जितना आप खाना पसंद करते हो। ये गया जीरा, थोड़ा सा जीरा और जाएगा इसमें। और अब इसमें डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस हो गए मसाले, अब इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। और ये गया लहसुन हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, दरदरा पिसा हुआ टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, महीन पिसा हुआ उतना अच्छा नहीं लगता है। और इसमें आप चाहेगा सरसों का तेल, आपके पास जो तेल हो वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल, बट हम लोग यहाँ सरसों का तेल में ही हर खाना बनता है तो इसलिए हम सरसों का तेल ज़्यादा यूज करते हैं, रिफाइन ऑयल यूज हम लोग नहीं करते हैं। सुन रहे, थोड़ा सा दही दीजिएगा, फ्रिजवा में दही है उसमें से दीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले नमक प्याज ये सारी चीज़ें ना अलग अलग ना दिखें। और इसमें दही डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं चाहे तो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी ये यम्मी बनता है बहुत ज़्यादा, बट दही से ना थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। पानी वाला भी डाल सकते हैं, पानी वाला, पानी और ये हमारे यहाँ दही था इसलिए हम दही यूज कर लिए, खिचड़ी के दिन दही जमाया था ना वही वाला दही है, फ्रिज में रख देने से जल्दी ख़राब नहीं होता है, 2-3 दिन तो आराम से हम लोग खा लेते हैं, तो बचा हुआ था तो इसलिए डाल दिया। इसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ ही है तो उसमें कुछ बन जाएगा कढ़ी वगैरह, क्योंकि जब पानी वाला दही हो जाता है ना तो उतना खाने का मन नहीं करता जब तक सजाव नहीं देते, सजाव मतलब कि मस्त मलाई वाली दही। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स, आप चाहे तो इसे मतलब 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं रेस्ट के लिए, या फिर चाहे तो तुरंत बना भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने रख दिया इसे गैस पे, गैस ऑन कर दिया है,
और ये पकेगा ऐसे ही, मतलब तेज आंच पे ही पकेगा, आंच को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बैठे हुए हैं बाहर और चिकन बन रहा है, देखिए आप लोग, उधर चिकन भी बन रहा है और इधर बैठे हुए हैं हम लोग, यहीं पे खाते हैं यहाँ पे। ये बाहर है, यूटिलिटी है, मतलब किचन से अटैच होता है ना यूटिलिटी, वही है। तो नॉनवेज हम लोग इधर ही बनाते हैं और इधर ही खाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ किचन में नहीं बनता है, एक ही किचन है, उसी में पूजा पाठ के लिए भी बनाओ, फिर उसी में ये सब चीज़ें, तो इसलिए नहीं बनाते हम, और अकेले रहना है हम ही लोगों को। खाना भी उतना ज़्यादा लोगों को नहीं होता है ना, कि ज़्यादा लोगों को खाना रहता है तो टेबल नहीं है, जगह नहीं है, तो दिक्कत होती है। बट दो लोगों को खाना है तो इस पर हम लोग आराम से खा लेते हैं, और पार्थ भी बैठ जाता है इस पर, उतना स्पेस है इसमें। तो चिकन को बनने में लगेगा टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में हम आप लोग को दिखाते रहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ डालना नहीं है, बस दो चीज़ें डालनी है, जैसे धनिया पत्ता और टमाटर। तो टमाटर जैसे चिकन थोड़ा बहुत लगेगा कि मसाले पक गए हैं, भून गए, उस वक्त टमाटर डालेंगे, और धनिया पत्ता एकदम लास्ट में डालना है इसमें, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे पकने देना है उसको धीमी आँच पर। चिकन अच्छे से भूनेगा तभी तो टेस्टी लगेगा, और प्याज भी भूनते भूनते, चिकन जब भूनता है ना तो प्याज भी उसके साथ पक जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा पकने में। तो दोनों चीज़ें पक रही है, अभी खुशबू आने लगी, लग रहा चलाना पड़ेगा, तो एक बार जा रहे चला देने। और ये देखिए कैसे पानी छोड़ रहा है, दही और चिकन भी, मतलब दही डाल दो तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि दही भी पिघल जाता है, और चिकन तो पानी छोड़ ही रहा है। इस ये ना ऐसे ही पक जाएगा चिकन, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जब ग्रेवी के लिए डालना हो तो डाल सकते हो। तो चिकन बन रहा है, देख लिया आप लोगों ने, हमने एक बार चला भी दिया, और हम बैठे हैं अकेले बालकनी में। हम लोग नॉनवेज इधर ही धुला जाता है, इधर भी सिंक है, तो जैसे धोना वगैरह भी होता है नॉनवेज, जैसे मटन मीट वगैरह धोना होता है तो यहीं पे धुला जाता है, बर्तन भी इधर ही धुला जाता है, मतलब सारा काम इसी में हो जाता है। और अच्छा रहता है ना कि नॉन वेज एरिया होता है ना, कि हर कोई मेरे घर नॉनवेज खाता तो अलग बात होती, दो लोग हैं दो लोग ही। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में अब चिड़िया भी दिखने लगी, चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है चिड़ियों की, देखिए आप लोग। तो फिर ठीक है, चिकन बनता है, और ये आ गया पार्थ। पार्थ क्या कर रहा बच्चा? ना खोला नहीं, उसको वो धुला रहा है, इधर आ गोदी में आता मम्मा के। तो आ गया पार्थ भी, बदमाशी करते करते पहुंच जाता है इधर। हाय करो। आप लोग तैयार हुआ खाने के लिए चिकन? ठीक बाबू का टेबल, अरे जल रहा है पास, चिकन जल रहा है, मम्मा का चिकन बन रहा है तो जल रहा है। आप बात करो, मम्मा आ रही है एक मिनट। चिकन को चलाते हुए देखते रहना है, ध्यान देते रहना है कि जल तो नहीं रहा है, तो इसलिए देखना पड़ रहा। आप लोग खाना खाया? खाना खाया आप लोगों ने? ठीक क्या बोल रहे हो पार्थ? मुंह के पास। इधर देखो, इधर इसमें देखो, क्या बोल रहे हो? मुंह के पास। क्या पास? हमको समझ में ना आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे थे पार्थ? बोलो जल्दी। हेलो मां। क्या है ये? चुंटा। क्या है? पापा चुंटा। 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 ये चुंटा है, चुंटा। इतना बोलता है अच्छे से ना, चुंटा ये कुछ नहीं आता, ये पोछने वाला है, गिरा दिए ना, सूखने के लिए बसारा था मम्मा ने, नहीं चुंटा नहीं निकालो। मम्मा है चुंटा चाहिए, ब्लू चुंटा। ब्लू चुंटा चाहिए? ठीक, वो ब्लू कलर का है। अच्छा ठीक है, बाय कर दो इसमें एक बार। बाय। फ्लाइंग किस करो? तो बाय बाय। बाय बाय। आई लव यू। आई लव यू। अब इसमें ये गया टमाटर। टमाटर देखा ना कब हमने डाला, जब पूरा ग्रेवी सूख गया है पानी वाला, उसके बाद से डाला है टमाटर। अब टमाटर थोड़ा बारीक काट के डालें। क्यों, उस पे गिर जाएगा ना?
पास तुम्हारी दादी का क्या नाम है? दादी का गीजा। वाह। सता क्या कर रहा है पत्थर? क्या कर रहा पत्थर? काम कर रहा है। और अब इसमें डाल दिया हमने धनिया पत्ता, क्योंकि ये हो गया है। मन करेगा तो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे, बट ज़रूरी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डालना होगा। तो देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाला था और ये अब हो गया है। तो हम पहले टेस्ट करने के लिए निकालते हैं कि कैसा बना है, यम्मी लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, ताकि आप लोगों को पता चल सके। टेस्ट करके बताइए आप कैसा लग रहा है। जल्दी बताइए। अच्छा लग रहा है। हम आप टेस्ट करके बता दें हम कैसा लग रहा है। यम्मी लग रहा, बट बहुत गर्म है अभी। चिकन बन गया और हमने टेस्ट भी कर लिया, खाना खाएंगे शाम को। अब भी दिन में इसलिए बना देते हैं ना, क्योंकि उधर रात में बनाना उतना पॉसिबल नहीं होता। लाइट तो जलता है बट लगता है कि मतलब कुछ आ जाएगा, इससे अच्छा दिन को बना के ही रख देते हैं। तो इस दिन को बना दिया, मतलब दिन मतलब उतना भी नहीं दिन है, 4:30 हो रहा है और 7-8 बजे तक खा लो। तो उधर का धो भी देते हैं मतलब रात को ही, नहीं तो अगले दिन थोड़ा सा वो हो जाता है इसलिए। तो चलिए ठीक है फिर, अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।